आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने पर सहमत हुए भारत और ब्रिटेन, कई आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई को लेकर बनी सहमति। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने छुआ महिला पत्रकार का गाल, पत्रकार की आपत्ति जताने पर राज्यपाल ने माफी मांगी। बीसीसीआई पर लगाम लगाने की तैयारी, आरटीआई के दायरे में आए बीसीसीआई लॉ कमीशन ने सिफारिश की। पटियाला सेंट्रल जेल में आतंकवादी हरमिंदर सिंह मिंटू की मौत, हार्ट अटैक बताई जा रही मौत की वजह, नाभा जेल ब्रेक मामले में आरोपी था मिंटू। पश्चिमी दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में सीनियर सिटीजन की गला रेतकर हत्या, ये वारदात उस वक्त हुई जब बुजुर्ग घर में अकेला था, मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया घर का सारा सामान बिखरा हुआ। हरियाणा में बीएसपी और एनएलडी के बीच गठबंधन, दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। चुनाव से पहले बीजेपी शासित दो राज्यों में पार्टी की ओर से बड़े बदलाव, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष अशोक परनामी ने अपने पद से इस्तीफा दिया, सांसद राकेश सिंह को बनाया गया बीजेपी मध्य प्रदेश का नया अध्यक्ष। रेप की बढ़ती घटनाओं पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, बोले मेरी चुप्पी पर सवाल उठाते थे अब खुद खामोश क्यों है, पीएम को दी चुप्पी तोड़ने की सलाह। देश में बच्चों के साथ हो रही घटनाओं पर बोले राष्ट्रपति कोविंद, कहा हर बच्चे की सुरक्षा समाज का कर्तव्य है, उम्मीद है देश की बेटियों की तरफ सब निभाएंगे सामाजिक कर्तव्य। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती सरकार से बीजेपी के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में होगा फेरबदल, आलाकमान के आदेश पर इस्तीफा दिया। दिल्ली डायलॉग कमीशन से आप नेता आशीष खेतान ने दिया इस्तीफा, आशीष उपाध्यक्ष के पद पर थे नियुक्त, आशीष का दावा लीगल प्रोफेशन ज्वाइन करना इस्तीफे की वजह है। एटीएम में करेंसी की किल्लत को दूर करने में जुटी सरकार, पांच गुना होगी 500 के नोट की छपाई, वित्त मंत्रालय का दावा अगले एक सप्ताह में होगी कैश की किल्लत दूर। दिल्ली से गाजियाबाद को जोड़ने वाली नई बनी एलिवेटेड रोड पर बड़ा हादसा हो गया, बारात से भरी बस रेलिंग से जा टकराई, एक घायल, काफी लंबा जाम लगा। दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से बच्चा चुराने के आरोप में दो बहनें गिरफ्तार, बच्चा बरामद। रेवाड़ी में 21 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, बस अड्डे के पास हुई वारदात, वारदात के बाद हमलावरों ने की फायरिंग, युवक की हत्या के बाद फिर चली गोली, एक युवक और एक महिला जख्मी हो गए, दोनों ट्रॉमा सेंटर में एडमिट, शहर में पुलिस बल तैनात। गुरुग्राम में हत्या आरोपी गिरफ्तार, गुरुग्राम में हो रही गैंगवॉर में हुई हत्याओं में भी था शामिल, गुरुग्राम के नाहरपुर रूपा में एक महिला की गोली मारकर इसने हत्या कर दी थी। गुरुग्राम में कौशल गैंग की कई गैंगों से चल रही है गैंगवॉर, हंस एनक्लेव में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोलियों से छलनी कर दी गई, उस वारदात में आरोपी के शामिल होने का शक। रोहतक में बैग में बच्ची की डेड बॉडी मिलने का मामला सामने आया, 72 घंटे बाद भी नहीं हो पाई बच्ची की शिनाख्त, आज होना था बच्ची का अंतिम संस्कार। वकील मोमिन मलिक ने कोर्ट में याचिका दायर कर पीजीआई चंडीगढ़ या फिर एम्स में पोस्टमार्टम कराने की मांग की है, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, फैसले तक बच्ची के अंतिम संस्कार पर रोक लगाई गई। गुरुग्राम में पीजी मालिक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है, दिल्ली की रहने वाली युवती ने आरोप लगाया, फेसबुक पर हुई थी दोस्ती, दिल्ली पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। अंबाला के तनिष्क शोरूम से 36 लाख से ऊपर की ठगी की कोशिश का मामला सामने आया, 26 लाख का फर्जी चेक करवाया पास, दूसरा चेक पास करवाने पर फंस गए। कठुआ में हुई 8 साल की बच्ची से दरिंदगी के मामले में यमुनानगर के हमीदा में कैंडल मार्च निकाला गया, मार्च में सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। पानीपत में लगातार दूसरे दिन भी 30 एकड़ से ज्यादा गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई, इस बार गांव जाटल और राजा खेड़ी के गांव में आग लगी।